आप देख रहे हैं डीडी दूर देहात न्यूज, दिलीप कुमार के साथ। लखनऊ, प्रियंका ने लिया कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का निर्णय। 12,000 किलोमीटर की तय होगी यात्रा। इस दौरे में वो पार्टी के लिए चुनाव के लिहाज से आगे रणनीति या अभियान के रूपरेखा पर गहन मंथन करेंगे, साथ ही संगठन की समीक्षा व प्रत्याशियों को चयन पर चर्चा करेंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन आगामी चुनाव अभियानों और कार्यक्रमों पर गहन मंथन शुरू हो गया है। प्रियंका गांधी की सलाहकार और रणनीति कमेटी ने पूरे यूपी में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। हम वचन निभाएंगे नाम से यात्रा होगी और ये 12,000 किलोमीटर चलेगी। कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा बड़े गांव और कस्बों से होकर गुजरेगी। प्रियंका गांधी यात्रा के दौरान होने वाली कार्यक्रमों के रूपरेखा तय करेंगे। प्रियंका गांधी सलाहकार और रणनीति कमेटी के सदस्यों पर यात्राओं के रूट और मुद्दे पर जानकारी ले रही हैं। बताया जाता है कि प्रियंका गांधी का ये दौरा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस दौरे में वो पार्टी के लिए चुनाव के लिहाजे से आगे की रणनीति का अभियान की रूपरेखा गहन मंथन करेंगी, साथ ही संगठन की समीक्षा व प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा करेंगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अंशु आस्थी ने बताया कि प्रियंका शुक्रवार को सलाहकार कमेटी के साथ बैठकर करने जा रही हैं। इसके बाद वो प्रदेश चुनाव कमेटी के पदाधिकारियों से वार्ता कर चुनावी तैयारियों की थाह लेंगी और प्रत्याशियों चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की रणनीति पर मंथन करेंगी। इस दौरे में कांग्रेस महासचिव पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करके जमीन स्तर पर संगठन की स्थिति का अलंकन भी करेंगे। इसी क्रम में पार्टी द्वारा संचालित प्रशिक्षण से परक्रम कार्यक्रम के प्रतियोगिता की समीक्षा होगी। प्रियंका शनिवार को भी यहीं रहेंगी। इस बीच उनके रायबरेली जाने की भी संभावना है। आप देख रहे हैं डीडी दूर देहात न्यूज, दिलीप कुमार के साथ। नमस्कार।